नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। इसी बीच पटना से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर राजधानी में मानवता एक बार फिर शर्मसार हुई है। 7 साल की नाबालिग के साथ दुष्कर्म की वारदात सामने आई है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। पूरा मामला कौशल नगर हवाई अड्डे थाने का बताया जा रहा है। 7 साल की नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया है। एक बार फिर मानवता शर्मसार हुई है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर मामला दर्ज कर लिया है। आपको बता दें कि कौशल नगर हवाई अड्डे का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बड़ी खबर इस वक्त की राजधानी पटना से, जहां पर कौशल नगर हवाई अड्डे थाने का मामला है। 7 साल की नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात हुई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। इस खबर की तमाम जानकारी के लिए संवाददाता अनिल कुमार हमारे साथ जुड़े हुए। अनिल, एक बार फिर मानवता शर्मसार हुई है। 7 साल की मासूम बच्ची के साथ इस तरह का कृत्य होना कई सवाल खड़े करता है। जी बिल्कुल आस्था, अगर देखा जाए तो राजधानी पटना को फिर से एक बार संसार करने वाली घटना सामने आई है। ऐसे में अगर बात करें हम तो ये पटना के हवाई अड्डा थाना क्षेत्र का मामला है, जहां पे ये दुष्कर्म जैसी घिनौनी वारदात को एक युवक ने अंजाम दिया है, जिसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पूरे मामले को संज्ञान महिला थाने को दिया है, जिसके बाद आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया गया। ऐसे में अगर बात करें हम तो इस तरह की कृत्य जो है, वो घटना जो है, वो कहीं ना कहीं मानवता को बेहद ही शर्मसार करती है। और अभी फिलहाल जो है वो आरोपी युवक धर्मेंद्र बताया जा रहा है, जो कि पुलिस की गिरफ्त में है, और अब उस पे पॉक्सो एक्ट जैसी धाराएं जो है लगाकर उसको जेल भेजने की कवायद जारी है। जी अनिल, युवक के बारे में अगर बात की जाए तो क्या कुछ खुलासा उसकी तरफ से किया गया है, क्या कुछ पहचान युवक की हुई है? जी अगर आधिकारिक पुष्टि अभी तो नहीं हो पाई है और किसी तरह के बयान भी इस पर नहीं आए हैं, और ये बताया जा रहा है जो पुलिस सूत्रों की अगर माने तो आरोपी युवक को गिरफ्तार किया गया है और गिरफ्तारी के बाद इस पे अन्य धाराएं लगाई जा रही है। हालांकि अभी ये क्या करता है और रहने वाला कहाँ का है ये अभी साफ नहीं हुआ है, लेकिन बहुत जल्द इस पर पुलिस कार्रवाई करते हुए इसको जेल भेजने की कवायद अब शुरू कर दी है। जी बहुत बहुत धन्यवाद अनिल कुमार, संवाददाता हमारे साथ जुड़े थे। इस खबर की तमाम जानकारी के लिए, बेहद ही शर्मसार कर देने वाली ये वारदात सामने आई है।